हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बादाम का हलवा। आज की रेसिपी वैसे तो व्रत में खाई जाती है, लेकिन आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए देखते हैं फिर आलू बादाम का हलवा कैसे बनता है। लेट्स स्टार्ट। आलू बादाम का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने प्रेशर कुकर में उबाल लिया था। बादाम हम ले लेंगे 25 ग्राम के करीब। इन्हें मैंने बीच से काट लिया है, आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ करें। घी हम ले लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच और यहाँ पे चीनी का पाउडर हम ले लेंगे 4 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर ये जो उबले हुए आलू हैं इन्हें हम मैश करेंगे। मैश करने के लिए आप चाहें तो फोक का यूज़ करें और नहीं तो इसे पोटैटो मैशर से मैश करें। तो यहाँ पे मैं पोटैटो मैशर का ही यूज़ कर रही हूँ। हमें आलूओं को ऐसे मैश करना है कि उनमें बिल्कुल भी चंक्स ना रहें, वो अच्छे से मैश हो जाएं। तो इस तरह से आप इसे मैश कर लें। तो यहाँ पे सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। तो बस अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन गर्म होने के लिए रखा है। गर्म हो जाने देंगे पैन को। इसके बाद हम इसमें घी डाल देंगे। तो सारा घी यूज करें, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। जैसे घी गर्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है और अब हम इसमें अपने बादाम डालेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम बादाम को थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसमें। तो बस हल्का सा ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें पहले से। तो अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे। तो यहाँ पे सारे आलू को डाल दें, गैस को कम रखें आलू को डालते टाइम। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू अच्छे से डाल दिए हैं। तो अच्छे से इसे पहले मिला लेंगे घी के साथ। तो हमें इसे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो चलाते हुए इसे फ्राई करते रहें। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में इसे चला भी रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करें। धीरे धीरे ये सॉफ्ट होने लगेगा और अच्छे से फ्राई होगा। अब हम इसमें ये चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हो चुके थे, उसके बाद ही मैंने चीनी डाली है। अच्छे से इसे मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे और भूनेंगे। तो बस चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ये फ्राई भी हो जाएगा। तो मिलाते रहें ऐसे चलाते हुए। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज होने लगा है। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें इस हलवे का टेक्सचर बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह लाना है। तो जब आपको लगेगा कि ये सूजी के हलवे की तरह दिख रहा है तो आप समझिए कि ये बनने के कगार पे है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है 5 मिनट बाद और बिल्कुल ये सूजी के हलवे की तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे कि गैस को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। लास्ट का 1 मिनट हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब आपको लगे कि इसमें दाने दिख रहे हैं, बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह लग रहा है ये, तब आप समझिए कि ये उस स्टेज पे बन गया है। इसे हमें ओवर फ्राई भी नहीं करना है वरना ये ब्राउन होने लगेगा और ये सॉफ्ट की जगह पे क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही सर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है। तो आप या तो इसे डायरेक्ट सर्व करें प्लेट में और नहीं तो इसको थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन देने के लिए मैं इसे पहले कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो सारा हलवा कटोरी में निकाल लें। ये सिर्फ लुक वाइज पर्पस से कर रही हूँ मैं,
ऐसा करना ऑप्शनल है। तो बस इसको हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसे मैं नीचे रखे कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से हो पाए। तो इक्वल कर दें इसे ऊपर से। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे इक्वल कर दिया है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे सर्विंग प्लेट लेंगे और इसको हम कटोरी को उल्टा कर देंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है कि ये दिखने में अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस हलवे में आप किसी और ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं बादाम की जगह पे। और जो मैंने पाउडर शुगर यूज की है उसे आप घर में ही पीस सकते हैं मिक्सर में। तो थोड़ा सा मैं इसे बादाम से गार्निश कर रही हूँ। इस हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।